हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। लर्न बेसिक कॉन्सेप्ट को चार। सो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि मैंने इसमें पार्ट वन डाला था, जिस पे हमने उस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा कवर किया था। तो इसी पे हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और फीचर की बात करेंगे। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करते रहिए, और इस तरह से मैं कई और वीडियोज पे आगे डालने जा रहा हूँ, जिसमें आपको मैं कोशिश करूँगा कि जो है जावा के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कवर कर सकूँ, जो कि आपको हेल्पफुल होंगे आपके जावा कॉन्सेप्ट को सीखने में। तो बात करते हैं सीक्वेंसर प्रोग्रामिंग और उप्स प्रोग्रामिंग की। तो हमने बात ऑलरेडी कर ली है, तो आपको ये मालूम पड़ा होगा कि सीक्वेंसर प्रोग्रामिंग के ऊपर उप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बेहतर है लार्जर प्रोग्राम के लिए। अब हम आगे बात करते हैं उप्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके बारे में। सो उप्स के बेसिकली तीन कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ उप्स भी बोलते हैं। तो जो उसमें पहला कॉन्सेप्ट है वो है आपका, जिसको हम बोलते हैं डेटा हाइडिंग। सो बेसिकली डेटा हाइडिंग, डेटा इनकैप्सुलेशन और डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये कलेक्टिवली एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को लीड करता है। तो इस पे जो पहला पार्ट है इस कॉन्सेप्ट का हम बोल सकते हैं, उसको बोल सकते हैं डेटा इनकैप्सुलेशन। यानी इसमें उप्स लैंग्वेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो आपका है डेटा, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है अनऑथराइज एक्सेस से एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। तो अब हम बात करते हैं कि हम डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो अगर आप इन जनरल बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, डेटा को इनकैप्सूल यानी कवर कर रहे हैं। तो डेटा को जब हम कवर करते हैं तो डेटा को कवर करके हमें क्या मिलता है, डेटा हाइडिंग। डेटा को हमने कवर किया मीन्स हमने डेटा को क्या कर दिया, हाइड कर दिया। अब जब डेटा को हमने हाइड कर दिया तो हम ये मान सकते हैं कि डेटा जो है वो रियली में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है वो चीज़ रियली एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो चीज़ रियली एग्जिस्ट नहीं कर सकती है तो हम उसको बोलते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट, विच इज नॉट रियल इज एन एब्स्ट्रैक्ट। तो आप देख रहे हैं कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट को लीड कर रहा है। तो इसमें जो डेटा है हमारा, जो उप्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको हमने हाइड करा। कैसे किया, क्या किया, वो बाद में बात करेंगे। हमने डेटा को हाइड कर दिया, और डेटा को हाइड करने की वजह से, उसको इनकैप्सूल करके हाइड करने की वजह से डेटा जो है वो हाइड हो गया। तो डेटा इनकैप्सुलेशन लीडिंग टू डेटा हाइडिंग, एंड वंस द डेटा इज हिडन इट इज ट्रीटेड एज एब्स्ट्रैक्ट। वो उसको हम ऐसे ये मान के चलेंगे कि डेटा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, विच इज नॉट रियली एग्जिस्टिंग ऑल्दो इट इज देयर। तो आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर इसको समझाना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि एक कार है, ठीक है। तो कार के अंदर जो है उसका जो इंजन है, वो इंजन के अंदर कुछ प्रोसेसिंग हो रही है अंदर जब आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, और वो कार आपको क्या कर रही है, पुल कर रही है और मूव कर रही है आप। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कार के इंजन के अंदर क्या प्रोसेसिंग हो रही है उससे हमारा गाड़ी चलाने का कोई नाता नहीं है। हमें अगर कार चलाना सीखना है
तो हमें केवल इतना आना चाहिए कि कैसे इन स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है, गियर, क्लच, ब्रेक एक्सेट्रा, वो हमारे लिए काफ़ी है कार को मूव करने के लिए। कार कैसे मूव हो रही है, वो उसके अंदर इंटरनल प्रोसेसिंग क्या हो रही है इंजन में, वो उससे हमें जानने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट है डेटा हाइडिंग और इनकैप्सुलेशन। जो प्रोसेस इंजन के अंदर हो रही है वो इनकैप्सुल्ड है, वो इंजन के अंदर कवर्ड है, और कवर होने की वजह से वो हमसे क्या है, हिडन है। जो इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही है वो हमें मालूम नहीं क्या हो रही है, वो हिडन है। और वो इनकैप्सूल होने के बाद हाइड होने की वजह से हम, अगर आपको बताएं कि इंजन के अंदर पिस्टन है वो काम कर रहा है कुछ इस तरीके से, और उसके आगे फिर फ्यूल कंबसन है, ये तो वो सब चीज़ें हमारे लिए क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट। मींस उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि डेटा हाइडिंग इनकैप्सुलेशन इज एक्चुअली क्या प्रोसेस है जिसमें हम डेटा को हाइड करते हैं, जिससे कि डेटा जो है वो इजीली एक्सेसिबल न हो और हम अपना काम करते रहे। तो मैं एग्जांपल दूंगा छोटा सा। अगर आपने जावा प्रोग्रामिंग कभी की है तो आपने एक मेथड का नाम सुना होगा, सिस्टम, एक लाइन कम सुनी होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इस केस में जो प्रिंट और या प्रिंट एल एन जो एक वो है वो उसको बोलते हैं फंक्शन। अब वो फंक्शन कैसे काम करता है ये जावा के डेवलपर ने तो उसको डिस्क्राइब किया है, लेकिन बीइंग अ यूज़र ऑफ जावा लैंग्वेज हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि वो प्रिंट ln मेथड या प्रिंट मेथड कैसे प्रिंट करता है। हमें केवल इतना जानने की ज़रूरत है कि उस मेथड के अंदर दो ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी कुछ लिख रहे हैं वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे कोई वेरिएबल हो, उसकी वैल्यू हम प्रिंट करना जा रहे हैं। तो ये एक तरह का किस तरह कॉन्सेप्ट क्या है, डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन का। बिकॉज इनर डिटेल और द फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मेथड और अ फंक्शन प्रिंट इज हिडन फ्रॉम अस, वो हमसे छुपी हुई है। हमें केवल इतना पता है कि हम इस मेथड के अंदर जो भी कुछ लिखेंगे, स्ट्रिंग या कोई वेरिएबल या कैरेक्टर, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। इस तरह के आप बहुत सारे मेथड्स, रेडीमेड मेथड्स देखेंगे जिनका हम जावा में यूज़ करते हैं बिना ये जाने हुए कि वो कैसे काम कर रहे हैं। तो ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है इनकैप्सुलेशन का, डेटा हाइडिंग का। तो आप समझ गए होंगे कि पहली चीज़ है डेटा इनकैप्सुलेशन leads to data hiding. Once the data is hidden, it is treated as abstract. So ये हर उस लैंग्वेज फॉलो करती है, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो या कोई और। हम दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे अपने अगले पार्ट में, बट मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको दे देता हूँ। उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉली मीन्स मैनी, मॉप मीन्स फॉर्म, ये एक टर्म है जो आपने बायो में भी पढ़ा होगा, पॉलीमॉर्फिज्म। सो यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स कि एक एंटिटी है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन पे रिएक्ट कर रही है, काम कर रही है। यानी आपने बायो में पढ़ा होगा कि पॉलीमॉर्फ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पॉलीमॉर्फ बिहेवियर शो करते हैं, यानी उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, वो अकॉर्डिंग टू द नीड दे चेंज द शेप। लाइक अमीबा फॉर एग्जाम्पल सुना होगा, फॉर फीडिंग, फॉर लोकोमोशन दे बिहेव डिफरेंटली, दे चेंज द शेप। उसी तरीके से उसी कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ बात करेंगे जिसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ये उसका दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यानी इसके अंदर हम बोल सकते हैं कि एक एंटिटी जो है वो
अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग तरीके से काम करेगी। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा, एक और मेथड की हम बात करते हैं, वो मेथड यूजर डिफाइंड मेथड है। लेट्स से वो मेथड आपका जो है एरिया, हमने एक एरिया मेथड अपने प्रोग्राम में बनाया, लेकिन हम इस एरिया मेथड की अगर बात करें तो ये कंप्यूट करता है एरिया, लेकिन किसका एरिया? ये किसी का भी एरिया कंप्यूट कर सकता है, क्योंकि हमने इसको स्पेसिफिक नहीं बताया। ये एरिया कंप्यूट कर सकता है एक रेक्टेंगल का, एक स्क्वायर का, एक ट्रायंगल का और कोई भी और शेप, बट ये केवल डिपेंड करेगा कि हमने उसको किस तरह का इनपुट दिया है, यानी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द इनपुट, इट विल एक्ट डिफरेंटली एट डिफरेंट इंस्टेंसेस। अलग अलग इंस्टेंसेस पे, अलग अलग सिचुएशन पे ये अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन है वो क्या, एक कॉमन नेम है एरिया मेथड। तो केवल मेथड ही नहीं, ऑपरेटर्स भी डिफरेंटली बिहेव करते हैं, और आप एक आगे जाके पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, स्पेशल मेथड, वो भी डिफरेंटली बिहेव करता है डिफरेंट सिचुएशन। तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अपने अगले चैनल में। तो फिलहाल आप जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं उनको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए बुक से, और मैं आगे भी इस तरह के चैनल और बनाता रहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे चैनल पसंद आएंगे और आपको इससे ज़रूर कुछ मदद मिलेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसको लाइक करिए, और आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं जावा से रिलेटेड और भी सारे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाता रहूँगा। थैंक यू।